बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं फिर आ गई, ये यहाँ पे तो मेरा गला ही बैठ गया है। चलें फिर कहती हूँ, मैं फिर आ गई। तो कैसे हैं मेरे साथ फ्रेंड्स? मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ पे रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला मेरे प्यारों के साथ साथ आप सबको सलामत रखे, हर किस्म की आफतों से बचाए। ये मेरे गले को आज क्या हो रहा है? हर किस्म की आफतों से बचाए, मुसीबतों और बलाओं से महफूज रखे, और अपने ख़ास करम और अपने ख़ास फजल के साए में रखे। आमीन सुमा आमीन। ये आंवला का मुरब्बा जो है, ये मैंने खुद बनाया था और हड़ का मुरब्बा बाज़ार से लिया था। तो जनाब, यहाँ पे हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट जो है ये अभी का नहीं है। ये वाली वीडियो जो मेरी है ये कुछ पुरानी है, तकरीबन 1-1.5 महीना पहले की है। तो देखिए आप, यहाँ पे जो है रोटियाँ बन रही हैं, पराठे बल के बन रहे हैं, देसी घी के मज़ेदार से खस्ता पराठे। तो वो हमने नाश्ता किया, उसके बाद हमें मौसूल हुआ एक पार्सल। ये जी मेरे भतीजे ने अपनी मामा के लिए पर्स भेजा है, जो कि हमें नहीं मालूम था कि ये आने वाला है। तो अचानक से कोई चीज़ आती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। बहुत अच्छा लगा, और माशाल्लाह से है भी काफ़ी प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। और देखते ही मैंने कहा वाओ ब्यूटीफुल, जो कि अभी मैंने वीडियो में से वो वाली जो आवाज़ है वो तो ख़त्म कर दी थी, और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, और इसके साथ दो और छोटे, एक पाउच और एक छोटा पर्स और भी मिला है जो इसके साथ है। ये 3 का सेट है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत डिसेंट सा कलर है माशाल्लाह से। और आप सब लोग जो हैं वो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं अभी से आपको कह रही हूँ, और आज मैं बहुत ज़्यादा अटक रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं जो है ना इस तरह से वॉइस ओवर वाली वीडियो डाल रही हूँ। तो ये देखिए, ये 3 इस तरह से हमें मौसूल हुए थे, माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, ब्यूटीफुल हैं, ब्यूटीफुल हैं, मतलब फुल ब्यूटी है। ये देखिए आप। तो जनाब, अब चलते हैं आगे। तो आगे ये है कि मैं बना रही थी मूंग माश की दाल, सॉरी, छिलके वाली माश की दाल का सालन। प्याज जो है वो घी में डाल दिए थे, और साथ में ये मैं अदरक और लहसुन कूट रही थी। तो यहाँ पे मुझे एक लहसुन का छिलका नज़र आ गया, जो कि बिल्कुल नया नया लहसुन है ना, तो उसके अंदर एक छिलका भी था, तो वो मैंने निकाल दिया। और उसके बाद जनाब अपना काम आगे शुरू करते हैं और सालन को बनाते हैं। ये देखिए, मैंने प्याज कुछ ज़्यादा ही ब्राउन कर लिए थे मेरे ख्याल में, तो चलें खैर कोई बात नहीं। दाल में इस तरह भी अच्छे लगते हैं, माश की दाल छिलके वाली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखें, ये मैं बना रही हूँ माश की दाल छिलके वाली, जो कि बहुत मज़ेदार बनी थी। और जनाब, आप लोगों में से किस किस को पसंद है माश की दाल? तो खाना जब सालन तैयार हो गई, तो उसके बाद मेरी हेल्पर जो है वो रोटी बनाने लगी, और जैसे ही उसने रोटी बनाई तो उसने कहा ये देखें यहाँ पे परिंदे की शक्ल बन गई है, बाजी क्या है इसकी फ़ोटो बना लें। तो मैंने इसकी वीडियो बना ली है, ये देखिए ऐसे लग रहा है जैसे कोई परिंदा है, बगला हो शायद, बगले की शक्ल लग रही है। तो आप भी देखिए। तो जनाब यहाँ पे मैंने इसकी अच्छी खासी वीडियो बना ली, मैंने कहा चले मैं अपने फ्रेंड्स को भी दिखाऊंगी कि आप लोगों की रोटी जो है इस पे बगले बनते हैं या नहीं बनते। वैसे मेरी रोटी पे ना पहले एक दफ़ा हार्ट की शक्ल बनी थी, दिल की शक्ल बन गई थी। इस तरह कभी कभी कोई ना कोई चीज़ बन ही जाती है। तो बस खैर, बगले वाली रोटी हमने खाई दाल के साथ। उसके बाद जनाब ये देखिए, ये टोकरा मिठाई का, बहुत मज़े मज़े की मिठाई है। ये मेरे भतीजे का के फ्रेंड का बेटा हुआ था, तो वो देकर गए थे मिठाई,
और बर्फी देख के अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने भी खाई थी, आप लोग भी खाइए। और वीडियो को मैं एंड करती हूँ, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।